अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसकी आपको शॉर्टकट की बताएंगे, इससे आप विद इन अ सेकंड आंसर बता देंगे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर निकाले जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट की बताई थी, ध्यान आ रहा, फार्मूले बताए थे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के, अपने पिछले लेक्चर में वीडियो देख सकते हो आप, मालूम ये यूट्यूब में ये चैनल लिखो और उसमें लिख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने एक ही वीडियो में सब डाल दिया है, है ना, उसमें 1, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अ गिवन कंपाउंड। ऐसे ही आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालना बता रहे हैं, तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देखो इसके तीन केस हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल के भी तीन केस, पहला ये है कि अगर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, मतलब इसे बीच में से काटो तो सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, तो लिख लो इफ मॉलिक्यूल, इफ लगा लो आप कैसा हो, अनसिमेट्रिकल, That is, it should not divided into two equal half. तो केस वन ये है ना, तो आप समझ लो जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसका फार्मूला तो एक ही होता है, E प्लस एम, इसमें ए जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जो आप जानते ही हो डी एंड एल फॉर्म, जो लाइट को रोटेट कर देंगे, और एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मीजोफॉर्म, जो कि होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। तो इससे आपको एक्टिव और इनएक्टिव भी मालूम पड़ जाएंगे, है ना, देखें तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी मॉलिक्यूल को बीच में से काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही तो उसका फार्मूला ये, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर, बस ये याद रखना, इसमें जो ए है उसका फार्मूला होता है और मीजो फॉर्म होती है उसकी जी, तो इनको अगर मैं यहां पुट कर लू तो ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला ये हो गया, नहीं हो गया, ये एक्टिव फॉर्म है ये इनएक्टिव। एग्जांपल जैसे मैंने लैक्टिक एसिड लिया, बताइए लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये है, बताओ इसमें एक कायरल है, एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल, लिख लो एन जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जिसको हम असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। अब इसमें एक कायरल है और इसको कहीं से भी काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, तो इसमें क्या करना, काटने पर इक्वल हाफ नहीं आना चाहिए, तो कहीं से काट लो बराबर नहीं आ रहा, और कायरल एक है तो ये फार्मूला लगा दो, है ना, 2 to the power 1, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, उनमें से एक्टिव फॉर्म कितनी होंगी, ए, ए मींस एक्टिव, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म होता है 2 to the power n, n की जगह 1 रख, इनएक्टिव कितनी है बताइए, मीजो फॉर्म जिसे कह रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म कितनी है, m, ये हमेशा 0 होता है इसके अंदर आंसर। तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला है ना, अगर इसमें सिमेट्री नहीं आए कहीं से भी काटने पे और कायरल आ रहा है
तो यहां फार्मूले में रख दो उठा के, ये फार्मूला ऑप्टिकल आइसोमर का, मीजो फॉर्म इसमें हमेशा जीरो होती है, क्योंकि आपको मालूम ये मीजो फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो मीजो फॉर्म हमेशा जीरो होगी। एक्टिव फॉर्म जो है डी और एल फॉर्म, उसका फार्मूला है 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्य, 1 है। क्लियर हो गया? लेकिन ना जैसे कि क्वेश्चन और बनाने आपको, मान लो पेपर में ये लिखा होगा, ये लिखा होगा ऐसे कुछ बना दिया, अब आपसे कोई पूछे इसके आप बताओ कितनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और कितनी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, तो आप जानते हो ये कार्बन कायरल है, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग लगेंगे और तो कोई कारण नहीं, और इसको कहीं से भी कार्ड को सिमेट्री नहीं आ रही है, तो फार्मूला ये वाला लगा। अब इसमें कायरल एक है तो यहां 1 रख दो, तो एक्टिव फॉर्म 2 हो गई, मीजो 0 हो गई, टोटल ए प्लस है, यही आ गया, नहीं आ गया, 2 आंसर है। तो इसकी कितनी बनेगी, एक्टिव फॉर्म 2 to the power, मीजो फॉर्म 0, टोटल दोनों का सम, हो गया क्लियर? देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल मान लीजिए सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योमेट्रिकल है, तो सेकंड में क्या देखेंगे कि इफ मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल, दैट इज इट कैन बी कट इक्वली, समझ में आ रहा, आप इसको बीच में से काट दो, दोनों तरफ सिमेट्री आएगी, तो इसके दो केस हैं, पहला अगर इसमें एन कायरल कार्बन जो है वो इवन हो जाए, इवन हो जाए, देखो तो फार्मूला बस ध्यान रखना है, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर फार्मूला भी बताया था मैंने, बस ये ध्यान रखना ए का फार्मूला ये होता है और एम का फार्मूला ये होता है, पिछले वाले में ए 2 to the power n था, एम 0 था, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला ये है जिसमें से एक्टिव फॉर्म जो है ए वो ये होती है और मीजो फॉर्म इनएक्टिव ये होती है, एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आए, जैसे मान लो मैंने ये दे दी, ये लिखा हुआ है टार्टरिक एसिड, अब पेपर में किसी ने कहा बताओ इसमें कितनी टोटल आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, उसमें से बताओ कितनी एक्टिव है इनएक्टिव कितनी, ये फार्मूला लगा दो, एक्टिव ये इनएक्टिव ये, तो बताओ इसमें कायरल कितनी है, 2, और क्या बीच में से काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, देखो वो कह रहा है इट कैन बी कट इक्वली, प्लेन ऑफ सिमेट्री बल्कि बीच में से काटने पर इक्वली कट करना चाहिए, मतलब जो चीज यहां लिखी हो वो यहां लिखी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, इक्वली कट करना चाहिए, बीच में से काटने पर दोनों तरफ सेम ग्रुप नजर आते वो आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, तो इसे लगा, तो बता कायरल कितने हैं, 2, तो टोटल आइसोमर 3 बन गए ऑप्टिकल, इसमें से ए कितने एक्टिव फॉर्म कितनी है ये वाली, इनएक्टिव कितनी है ये वाली, तो ये 2 हैं, इनएक्टिव 1 है टोटल, बस एक मिनट में आंसर आ, तो टार्टरिक एसिड के 3 आइसोमर बनेंगे जिसमें से 2 एक्टिव होंगे, एक इनएक्टिव हो, इनएक्टिव वाले को मीजो बोलती, क्लियर हो गया, चलिए
अगर मान लो यहां पर इसी में नेक्स्ट ये ऑड होता है, मतलब बीच में से कट करने पर सेम ग्रुप तो नजर आए, इक्वली कट कर जाए, लेकिन एन जो है वो ऑड हो जाए, लेकिन तब क्या करेंगे? तब यही फार्मूला आपको ऐसे दिखाएंगे, लेकिन तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला तो यही होता है, बस ए और एन ध्यान रखना है। तो इसमें ए जो होता है वो ये है ना, ये, और एन जो होता है वो ये होता है, यही वाली चीज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ये कट जाए, ये रहता है। तो ध्यान रखें, अगर कायरल उसके अंदर ऑड है, एक है, तीन है, पांच है और इक्वली कट कर रहा, तो आप ये फार्मूले लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे बस। एन क्या है? कायरल सेंटर। लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जहां से आपको ये तीनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तो कुछ आइसोमर्स कंपाउंड्स के निकालेंगे ऑप्टिकल, तो आपको ये फार्मूले एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला सवाल, ये मेरे पास लिखा है CH3 CHOH होल ट्वाइस COOH है ना। दूसरा सवाल मेरे पास लिखा है CH2OH CHOH CH2OH। और चलो ये पहले दो लेते हैं, फिर इसके बाद दो और ले लेंगे। लेकिन लिख लिया, चलिए तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले सवाल, सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए CHOH CHOH COOH। बताइए कार्य कितने हैं इसके अंदर? दो। बीच में से काट दूं तो क्या सिमेट्री है, मतलब सेम ग्रुप आ रहे हैं? यस। तो एन क्या है? कार्य कितने? दो। तो जब सिमेट्री आ जाती है, अभी अभी बताया था, और एन इवन हो जाए, कायरल इवन हो जाए, दो गए, तो बताइए ए क्या होता था? याद है एम कितना होता था मीजोफॉर्म, और टोटल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे? दोनों का सम, बस खत्म सम। अच्छा एक मिनट, सिमेट्री नहीं आ रही है इसमें, ये ध्यान नहीं दिया हमने, सॉरी है ना। तो सिमेट्री नहीं है ये, अनसिमेट्री का मैं समझा था, ये सीओ एक मिनट। तो बताइए इसे काटने पर आपने देखा ये अनसिमेट्री कल, तो अनसिमेट्री कल का तो एक ही फार्मूला होता है आपने पढ़ा है, ये बीजो तो जीरो ऑप्टिकल आइसोमर, ए होता है इतना, ये इतना होता है, यहां रख दो आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसकी एक्टिव फॉर्म कितनी है? चार। मीजो कितनी होती है जब भी ये हो अनसिमेट्रिकल, इसमें इवन ऑड तो देखते नहीं, जीरो। और टोटल आइसोमर कितने बन गए हैं? फोर। एक क्वेश्चन पहले ये करा दूं फिर बताऊंगा, तो इसको लिख लो आप, लिख लिया। चलो यहां देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है चार बार CHOH लिखा है, तो कैसे भी लिख लो आपकी इच्छा है, और उसके बाद फिर CH2OH ये लिखा है चार बार है। अब ये बताइए अगर मैं इसे बीच में से काट दूं
एक दो तीन, एक दो तीन, तीन दिन कार्बन है, तो बताओ सिमेट्री आ रही है सब सेम है। तो जब सिमेट्री आ जाती है आपको मालूम है, तो दो केस हैं इवन और ऑड, तो बताओ यहां एन इवन आ रहा है। देखो पहले चेक कर लेते हैं ऐसे नहीं, इस पर चारों ग्रुप अलग अलग है, ये तीन और एक चार, इस पर चेक करो ये अलग ये अलग ये अलग वो अलग, ऐसी इसको चेक कर लो इसको चेक कर लो, तो इसके अंदर एन इवन आ रहा है चार आ रहा है। तो बताओ जब मॉलिक्यूल को काटने पे सिमेट्री आ जाए और एन इवन आ जाए तो फार्मूला क्या बताया था अभी याद है ऑप्टिकल आइसोमर का, ए क्या होता है ये, एम क्या होता है ये, तो यहां पर आप फोर रख दो है ना, तो यहां फोर रख दोगे तो क्या आ जाएगा सोचिए, तो आपके पास दस आइसोमर बन जाएंगे और दस में से एक्टिव कितने हैं, टू का पावर क्यूब आठ है और दो कैसे हैं इनएक्टिव, तो लिख लो ए आ रहे हैं आठ, एम आ रहे हैं ये इनएक्टिव है ये एक्टिव, तो बस रेडीमेड फार्मूले तुरंत आंसर आ जाएगा, लिख लो। मान लो एक एग्जांपल मैंने और लिया, ये है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच ऐसे लिख ली और सी एच टू ओ एच, ये ग्लूकोज। अब आप देखो इसमें टोटल छह कार्बन है, बीच में से कट कर बताओ सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर सी एच ओ है नीचे सी एच टू एच, तो ये अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का एक ही फार्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का, याद होगा मीजो तो जीरो होती है इसमें। अब बताओ ये कायल है चेक कर लो, तो इसमें चार कायल है, तो आंसर है इसके सोलह आइसोमर बने, वो कैसे होंगे एक्टिव, मीजो इनएक्टिव क्या होंगी जीरो, एक मिनट में आंसर आ जाए और देखो। तो वो तो रेडीमेड फार्मूले लगाना आप सीख, मान लो पेपर में फ्रुक्टोज आ गया है ना, फ्रुक्टोज लिख ली, अब उसका फार्मूला ये होता बीटा कीटो ग्रुप होता, ये फ्रुक्टोज है, तो बताओ इसको बीच में से कट कर दूं सिमेट्री आ रही है नहीं आ रही है, ऊपर कीटोन है नीचे नहीं, अब इसमें कायरल कार्बन चेक करो तो ये तो डबल से जुड़ा है कायरल नहीं, इस पर दो एच आ रहे हैं नहीं, ये कायरल है चारों अलग है ये और ये भी नहीं है दो एच, तो तीन कायरल है और सिमेट्री नहीं, तो जब सिमेट्री नहीं हो तो फार्मूला आपको मालूम है क्या होता, ये टू टू द पावर एन इनएक्टिव जीरो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, तो बताओ इसमें कितने हैं कायरल तीन, तो आंसर है आठ आइसोमर टोटल हो जाएंगे जिसमें से एक्टिव फॉर्म आठ है इनएक्टिव जीरो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लिख लो और भी बताएंगे घबराओ मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है मेरे पास डाई क्लोरो प्रोपेन, इसमें बताओ टोटल आइसोमर कितने और बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने, ये दोनों बताने टोटल भी बताने ऑप्टिकल भी,
डाई क्लोरो प्रोपेन कैसे बनाओगे? प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन। अब बताओ दो क्लोरो लगी तो ये भी हो सकता है दोनों क्लोरो एक पे लग जाए, ये भी हो सकता है बीच में लग जाए, भाई इधर लगे या इधर लगे बात ही थी, और ये भी हो सकता है कि एक यहां लग जाए एक यहां लग जाए, और ये भी हो सकता है यौन लग जाए दोनों। समझ में आ रही है बात? तो इनको आप बैलेंस कर लो, इसके संग ये बॉन्ड है तीन एच और लगा दो, इसके संग दो है दो लगा दो, इसके संग तीन बॉन्ड है एक एच लगा, ऐसे ही इसको कर लो, इसको भी ऐसी बैलेंस कर लो, ये बॉन्ड है तीन एच ऐसे, सबको आप सेटिस्फाई करा दो, इसके संग दो बॉन्ड है दो एच, इसके संग दो है दो, ऐसे बना दो। अब इसमें पहले ढूंढो भाई ऑप्टिकल के लिए कायरल होना चाहिए, इसमें कायरल है नहीं है दो सेम, मतलब कायरल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल के लिए कायरल चाहिए, इसमें है नहीं है दो सेम है कायरल है, इसको देखो ये आ गया, ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, इसमें एक कायरल, इसको देखना बेकार है दो सीन, तो इसमें कायरल कार्बन एक है, और जब कायरल एक होता है आपको मालूम है भाई काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला ये होता है, ये ए होती है ये एम होती है, और इसमें एक कायरल है यहां रखो, तो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बने, डेस्ट्रोइड देखो दोनों एक्टिव फॉर्म होती है, इसकी ऑप्टिकल नहीं बनेगी इसकी नहीं बनेगी, इसकी देखो देखो इस वाले पे दो सेम नहीं, इस पे भी दो सेम है नहीं, इस पे दो सेम है नहीं, आ रहा है समझ? तो आपने देखा ऑप्टिकल कितने बने दो बने, अच्छा अगर मैं पूछूं टोटल कितने बने ऑप्टिकल और चैन सब मिला के, तो एक दो तीन और दो इसके बन रहे हैं डेक्सट्रो अलग अलग है ना दोनों, तो टोटल पांच आइसोमर बने, इसके दो बने डेक्सट्रो, इन सबका एक एक एज इट इज बनेगा क्योंकि इनका ऑप्टिकल तो बनेगा, तो दो एक 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 पांच आइसोमर, आ रहा है समझ लिख लीजिए।